then let it be my sound. You can't come to me and say ke hame Delhi wali girlfriend bana do. Kuch aapke kuch 6-7 gaane jo ke unreleased hain Bollywood ke, inki kya kahani hai? Ye unreleased kya hota hai, matlab kyun hai ye? One word for Saba Qamar, you worked with her, right? Ye mere dil ka jaana hai, teri faisla hai, ab saath hoga na tera, ye dard ki intiha hai. मेरे सारे दोस्तों को सनी लियोन पसंद थी, उसके लिए भी गा लिया है. इट वाज अ कॉन्सर्ट जिसमें आप सलमान खान के साथ थे और वो लंदन में हुआ था. एक अपनी फिल्म के अंदर जो एक्टर जो हीरो हमें नजर आने वाले हैं वो मुस्तफा का डेब्यू होने वाला है. ये मेरी एक छोटी हिस कह रही है, आई मे बी रॉन्ग. आई विश मोहित सूरी, आई विश. I know he will never say no to me, but ये मैं कि यार अगर मुझे गाना नहीं पसंद तो मैं नहीं गाऊंगा. पैसे और ये चीजें मैटर नहीं करती. क्यों? Because if you look at my अभी इतनी जल्दी बोटॉक्स थोड़ी कराऊंगा. इसके लिए पैसे रखे हैं, जब वक्त आएगा तो वो कराऊंगा. जो मेरे सबसे ज्यादा क्लोज हैं वो मोहित सूरी हैं, उनके आज बर्थडे भी है. विशिंग यू ऑल. मुस्तफा, हम स्टेज की बात कर रहे हैं. स्टेज कितना याद आ रहा है? It's been long actually. Stage last time hum Islamabad mein, acha waise luckily we went to the stage 1 month back. I think pichle mahine hum Islamabad gaye the. It was an amazing show we did in Islamabad. Unfortunately wo thoda sa jo third wave thi wo bilkul tab shuru ho rahi thi. So okay. we had a lot of people at the show and we did the show. Luckily uske show ke agle din se phir lockdown lag gaya, to wo last show tha jo lockdown se पहले हमने किया था. बट द स्टेज वाइब वाज अमेजिंग. इट वाज अमेजिंग टू कनेक्ट टू द ऑडियंस. इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम बिफोर दैट के स्टेज की वाइब नहीं ली थी. आई थिंक आफ्टर आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज इन 2004 अंडरग्राउंड में जब हम परफॉर्म करना शुरू हुए थे. सो वो 16 साल से इतनी आदत पड़ गई हुई है स्टेज की कि एक साल जब स्टेज नहीं मिला तो इट ट्रबल्ड मी अ लॉट. एक में सबूर है, एक में सबा कमर है. ओ माय गॉड. सो पहले ये बताएं कि ये जो एक गाना रिवैम्प हुआ है, ये क्या स्टोरी क्या है मुस्तफा, बता दें. बेसिकली यार, यस आई रोट दिस सॉन्ग लॉन्ग बैक फॉर समवन. आई थिंक इट वाज 2009 और मे बी 9-10 में लिखा था किसी के लिए. जब हमने फिल्म में गाना गाया था तो फिल्म की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी. it was a breakup song, but then film ke liye lyrical content change ho gaya tha, to wo move on song ban gaya tha. Hum jeelenge. Nahi, ye actual gana tha jo pehle likha gaya tha. Ye tha wo gana jo likha gaya tha. Badi. Oh my God. Ye tha wo gana jo likha gaya tha. Film mein change ho gaya tha. To agar koi tumhe tod ke chala jaye doston, to fir aap 2021 mein wahi gana dobara se likhte hain. Yaar, kya khoobsurat baat hai ye. Bilkul kaha ja sakta hai na. जो इमोशन है वो दैट स्टेज विद यू फॉरएवर. आई थिंक सो यू कैन एक्सप्रेस इट एनी टाइम यू वांट टू एक्सप्रेस इट. बट समवेयर इन देयर आई ऑलवेज फेल्ट दैट यू नो दैट इमोशन व्हिच आई हैड इन द सॉन्ग, द इमोशन विद व्हिच आई मेड दिस सॉन्ग, आई नीड टू पुट इट आउट. अ लॉट ऑफ फैंस केप्ट ऑन सेइंग एज वेल कि आप कैसे जी, क्यों नहीं रिलीज करते, आपको करना चाहिए. बट आई वाज हेजिटेंट. कुछ था कि चलो जा लेने देते हैं, पर होता क्या है कि फिर कोई चीज जब आपसे इतना क्लोज हो जाए तो उसको छोड़ देना या उसको जा लेने देना मुश्किल हो जाता है. So we sat together, we went to the studio and we recorded it, and then we decided to shoot the video, and mashallah it has turned out pretty nice. Tell us about the actual love. ये तीन तो हो गए, उसके बाद आज मुस्तफा कहाँ खड़ा है, अपने आप को कहाँ देखता है, अपने सारे साथी को देखता है. Tell us about that, please. See, I think the kind of music I sing, obviously I am a very emotional person. The emotional journey I have had over the years has always been there, and you can hear that in the songs. मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए एक्सप्रेस करने के लिए ये सब रिसीव करना बहुत जरूरी होता है. सो व्हाट वी डू इज वी रिसीव इट एंड देन वी एक्सप्रेस इट थ्रू द माइक, और लेट्स से वी गिव इट टू द कैमरा. जो एक्टर है वो कैमरा को देता है, सिंगर माइक को देता है. सो आई थिंक आई ऑनेस्टली फील दैट maybe it's just me, or maybe it is like with a lot of artists that we are never emotionally stable. somewhere something down there, even if we are getting stable, that is not our comfort zone. Hum ekdam zara thoda sa se bahar aana chahte hain, because I think wo jo ek pura procedure hota hai gana banane ka aur sab, uske liye aapko thoda sa, मैं ये नहीं कहता कि स्टेबिलिटी हो ही ना लाइफ में, बिल्कुल होनी चाहिए, पर आपको थोड़ा सा अपने जोन से और अपने कंफर्ट जोन से और स्टेबिलिटी जोन से थोड़ा सा बाहर आना पड़ता है. टू कम टू दिस स्लाइटली डार्कर साइड, टू मेक स्लाइटली डार्कर म्यूजिक. व्हाई सबूर?
So when my management came to me and suggested Sabur, so I looked at her Instagram and I said, you know, she has जो मैंने उसके लिए सोचा हुआ video में, because I had designed the whole story for the video. So मुझे लगता था कि उसने ऐसा पहले कुछ नहीं किया, और इस avatar में अगर उसको लोग देखेंगे तो बहुत ही different avatar होगा. And this is one of the reasons why I felt that she should be there in the video. So Mustafa Chingaria, कैसे जिए? What next do we have? So what next we have is a Rosen song, because we have been working on that for a long time, yes. And I really hope that Eid pe ya Eid se kuch 15-20 dino ke andar we will come out with a single. अच्छा एक बात थी कि मुस्तफा एक फिल्म प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, लिखेंगे, जो कि म्यूजिकल जर्नी को केटर करेगी. मुस्तफा वेयर इज द वीडियो, देखनी है हमने, कब आएगी फिल्म? तो ये जो वीडियो मैंने अभी बनाई है ये उसका छोटा सा एक टीजर है जो मैं करूंगा अपनी फिल्म. मुस्तफा ये विकिपीडिया ये क्यों कहता है कि मुस्तफा जाहिद इज अ रेसलर एज वेल? रेसलर क्या बात है, मुस्तफा जाहिद इज अ फाइटर, इज नॉट अ रेसलर. वो ऐसा कौन सा शख्स है भारत में कि जिससे आप मिलना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं कि यार अब मिलते हैं ना, कब मिलेंगे, कोई है? मेरे एक्चुअली यस ऑफ कोर्स मेरे एक्चुअली अक्रॉस द बॉर्डर बहुत दोस्त हैं, बट एक जो मेरे सबसे ज्यादा क्लोज हैं वो मोहित सूरी हैं, उनके आज बर्थडे भी है. विशिंग हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज जर्नी. सो यस ही इज वन पर्सन आई रियली मिस बिकॉज़ वी गो लॉन्ग बैक. मैंने आई डेब्यूटेड इन हिज फिल्म आवारा पर एंड वी आर लाइक फैमिली, वी आर लाइक ब्रदर्स. तो वो एक उसका जो मैं जब भी बॉम्बे जाता हूँ तो मैं उनके घर पे ही रुकता हूँ, तो मेरा बहुत ज्यादा प्यार है उनसे और उनकी मिसेस से और फैमिली से. तो ये कुछ ये वाला जो ग्रुप है आई मिस देम अ लॉट एंड इट्स नॉट फॉर वर्क. पीपल नीड टू रियलाइज के द रीजन व्हाई आई हैव ऑलवेज ऑलवेज एंजॉयड इंडिया एंड व्हाई आई वुड वांट टू गो देयर इज टू सी माय फ्रेंड्स. आई कैन स्टिल सिट एट होम एंड प्ले म्यूजिक एंड डू अ लॉट ऑफ वर्क, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी. बट आई थिंक ये जो सारा इशू है पॉलिटिकल, इसमें काम अफेक्ट अगर हो गया फर्क नहीं पड़ता, मगर दोस्ती और ये जो प्यार था ये अफेक्ट नहीं होना चाहिए. पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री ने वो कौन सा एक ऐसा दोस्त दिया है कि जिसको फोन करके यू नो यू कैन ऑलवेज कॉल कि जिगर ये हो गया या आ जाओ? सारे मेरे सबसे मेरे सारे सबसे बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत है. अभी जब गाना भी व्हेन द सॉन्ग केम आउट एवरीवन मैसेज्ड मी, एवरीवन सेड दैट इट्स ब्रिलियंट, एवरीवन लाइक्ड इट. आतिफ सेंड मी अ मैसेज सेइंग इट्स वेरी नाइस, ही रियली लाइक द साउंड. ज़ुल्फी सेंड मी अ मैसेज सेइंग कि यार आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव स्टिक टू योर ओरिजिनल साउंड. He was very happy about it. Yes. Azizapar ne bada acha likha. Gohar ne message bheja. So, meri sabke saath hi hamesha se bahut achhi rahi. Kabhi kisi se bila wajah pange liye nahi aaj tak. To, jab kisi se aap pange na lo, to sab aap se usi tarah pyar karte hain, jaise aap unse karte ho. But I think, agar mujhe kabhi music mein koi problem ho, I would go to Saad Sultan. He's a very dear friend of mine. Oh, wow. Yes, I think he's one person I can always count on. I can always speak to him and I will always get a very honest advice from him. Zulfi is another person. I think if I'm ever stuck somewhere and I feel that, you know, I am not finding the right path, because he was there with me when I started my journey and he helped me a lot. Oh, in the thing. It was him jisne who showed us ke yaar, this is the door and you just go through the door and you'll find your way. So I think he's another guy I would always want to call, and if there's a problem he will help me out. मुस्तफा टेल मी समथिंग, हमने मुस्तफा जाहिद को पाकिस्तान में कम काम करते हुए देखा है, भारत में ज्यादा, बिकॉज आपका कंफर्ट लेवल बन गया था, पर हम पाकिस्तानी है ना, तो यहाँ पे वो कंफर्ट लेवल क्यों नहीं बना? Oh, that's a very good question. पता है, unfortunately, एक perception शायद यहाँ पे ये है कि I don't want to work here, which is very wrong. आप इंडस्ट्री में किसी से भी पूछ सकते हैं. आज तक शायद ही ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे आके काम करने का बोला और मैंने मना कर दिया. हाँ, कुछ मैंने अपने बार सेट किए हुए हैं कि यार अगर मुझे गाना नहीं पसंद तो मैं नहीं गाऊंगा. पैसे और ये चीजें मैटर नहीं करती. क्यों? बिकॉज इफ यू लुक एट माय सीवी, एक भी गाना आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप सुन के बोलेंगे ये क्या बकवास गाना था, राइट? सो आई हैव टू कीप अप विद दैट, राइट? आई कांट जस्ट सिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग. और अभी जिस तरह चिंगारियां वाज, सबा केम टू मी विद एन आइडिया कि शी इज कमिंग अप विद अ यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब एपिसोड, एंड शी वांटेड मी टू मेक म्यूजिक, एंड आई सेड यस लेट्स डू इट, व्हाई नॉट. तो वो ऐसा नहीं है कि मुझे ये मसले नहीं होते कि मैं किसी के साथ काम क्यों करूं, मैं करना नहीं चाहता. The only issue is that people don't let me express myself through my music. Now, if someone has come to me and they want a Mustafa Zaid song, then let it be my song, then let it be my sound. You can't come to me and say कि हमें दिल्ली वाली girlfriend बना दो. Don't come to me if you want a song like that. You know, if you want a song from me, then you have to trust me like people have trusted me at the border. And this is, I think, the only reason why I word less here, because I am not a yes sir person. हमारे सामने एक आइकॉन होता है ना कि जिसने कुछ अचीव किया होता है तो हम कहते हैं अच्छा यू नो इसका ये पार्ट था, he didn't party just for the sake to get work. No, he has just focused on his craft.
उसने ये नहीं सोचा कि जिगर पार्टी में जाते हैं मैनेजर ने कहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं। उसने नो कहना सीखा है। मुझे कभी किसी पार्टी में नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं ना। तो प्लीज अभी यूथ देखती है आजकल। I don't believe in getting work from the parties. I believe in getting the work, and then when it becomes a success, then you party. कुछ आपके कुछ 6-7 गाने जो कि unreleased हैं Bollywood के, इनकी क्या कहानी है? ये unreleased क्या होता है? मतलब क्यों है ये? मेरे 150 गाने unreleased हैं। Oh my God! I have 150 unreleased songs. नहीं, no, मतलब उनके नाम लिखे हुए हैं। लेकिन वो अनरिलीज है, बन चुके हैं वो गाने, देयर इन द स्टूडियो, वी हैव द डेमोस एंड एवरीथिंग रेडी, बट देयर आर अनरिलीज बिकॉज़ बट देयर आर अनरिलीज। अब जो बॉलीवुड का है वो तो दैट्स अ सेपरेट चैप्टर, वो तो यू नो बिकॉज़ ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन एवरीथिंग्स ऑन हॉल्ट, सो वी कांट रियली कंप्लेन, बट आई थिंक कंप्लेन ही होनी चाहिए कि जो अपने गाने स्टूडियो में बनाए हैं वो क्यों नहीं रिलीज करते हैं। आई थिंक वी आर ऑलवेज डूइंग लाइव कॉन्सर्ट्स, कुछ भी हो रहा होता था हम शोज बजा रहे होते थे, तो हम सबको इतनी आदत हो चुकी थी लाइव शोज की कि हम कहते थे यार अभी स्टूडियो जाएंगे, अभी कभी बना लेंगे, सो वी, बट ऐसा नहीं हमने नहीं किया। 2016 वाज द लास्ट ईयर व्हेन आई सैंग फॉर बॉलीवुड, देन 2017 देयर वाज नो रिलीज, 2018 आई डिड मेरे साथ या सैंग फॉर अ पाकिस्तानी फिल्म, 2019 आई सैंग इन द बॉक्स, 2020 इन द बॉक्स किया था, सो कम गाता हूं मगर अच्छा। तो फिर आओ तेरा मेरा रिश्ता, मतलब इतने हिट, इतने बड़े बड़े हिट जो आज भी हम प्ले कर रहे हैं, मतलब क्यों नहीं नजर आते हो आप हमें उन स्टूडियोज में मुस्तफा? Because they have never come to me. They should be coming to me, right? I can't go to their door and knock and say I want to sing in the studio. They should be coming to me, telling me that they want to do something with me. Now, if people expect me to go to them saying that I want to sing for you, that is never happening. I'm not going to anyone saying I want work. That is never happening. Yes, you want to make something with me, you invite me to your show, I will come, I'll sit with you and discuss it. But ये नहीं हो सकता कि आप मुझे purposely ignore करी जाएं इस वजह से कि मैं आपके पास खुद आऊं, ये नहीं हो सकता. And this is why that particular show, because one, I am against doing cover songs. When it's a show like that, I would like to perform my own song. Two, I'm not going to anyone for work. Mustafa, आप, you know, you're very good looking, mashallah. इतनी लड़कियां हैं, वो जानना चाहती हैं कि हमें आप एक्टिंग में क्यों नजर नहीं आते हैं? मतलब a lot of people come to me and ask me this. दो क्वेश्चन मुझे लोग हमेशा पूछते हैं, एक आप वहाँ स्टूडियो में गाना क्यों नहीं गाया, और एक आप एक्टिंग क्यों नहीं करते, और ये जब से वीडियो आई है तो ये कितना सवाल, हर 5-10 मिनट बाद एक सवाल ये एक्टिंग का जरूर आता है वीडियो के बाद से, पता है? I'll be very honest with you. Sabha was very happy. Sabha is a very dear friend of mine. So when she saw the video, she was very happy and she felt that I should do the acting. Sabur, when we were shooting, kept on telling me that I should do acting. And feedback coming from these girls, because they are part of that industry, meant a lot to me. My only problem is I have mujhe temperament ke thode se issues hain, right? So I don't want to walk into a project and figure out ki nahi yaar ye to mera temperament nahi hai karne ka. Acting is a tough job. It's a tough job. अभी लाइट हो रही है, अभी ये होगा, अभी आप इधर एंगल से लेंगे, अभी वो एंगल से लेंगे, तो मुझे लगता है कि मैं किसी का प्रोजेक्ट, जस्ट बिकॉज आई वांट टू डू इट, आई डोंट वांट टू स्पॉइल समवनस प्रोजेक्ट, यस, व्हेन आई फिगर आउट कि यू नो व्हाट, नाउ माय हेड इज स्ट्रेट एंड आई वांट टू डू द एक्टिंग, आई विल वॉक इनटू द प्रोजेक्ट एंड आई विल शो यू व्हाट काइंड ऑफ एन एक्टर आई एम। मुझे ऐसे लगता है कि जो उनकी अपनी फिल्म होगी ना, जिसका अभी हमने टीजर देखा है, कैसे जिए, मुझे लगता है कि अपनी फिल्म के अंदर जो एक्टर, जो हीरो हमें नजर आने वाले हैं, वो मुस्तफा का डेब्यू होने वाला है। ये मेरी एक छोटी सी कह रही है, आई मे बी रॉन्ग, यू आर प्रीटी क्लोज, आप काफी हद तक पहुंच गई हैं। मैं एक्चुअली आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम माय ओन थिंग एंड आई हैव रिटन हाफ ऑफ द फिल्म, आई हैव मेड म्यूजिक फॉर इट, बट आई एम स्टक समवेयर डाउन देयर, सो इंशाल्लाह जब मैं उस एक जगह पे जहां फंसा हूं स्टोरी में, वहां से बाहर निकला है, तो देन आई विल गो ऑन बोर्ड एंड विल स्टार्ट। Who is going to direct your movie, by the way? That's a very good question. At the moment, I wish Mohit Suri. I wish. I know he will never say no to me, but you know the situation. आपको पता अभी क्या है, तो probably वो तो होता नजर नहीं आ रहा, but I'll find someone who will do justice to my story. See, ये कैसे जिए में, the guy I found, Saad Hashmi, he did justice to the song, yeah. He did justice to the story. I told him this is the kind of story I want to portray, and I think he has done absolutely fabulous job. One word for Sabha Kamar. You worked with her, right? Tell us about this experience, Singariya. Yes.
Taba has been absolutely phenomenal. I have known her manager Mishal for a long time, and मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे उसको बहुत पहले मिलवाना चाहिए था सबा से, because one she's a very dear friend of mine now, and she gives you that work drive. She puts you in a spot, you know, work it. You have to work. So that, you need that kind of friends around you who are always telling you to work. That is amazing. She's a great wife. Chingariya was. पता है मैंने अपनी जब चिंगारियां रिलीज किया था, दिस इज व्हाट आई रोट ऑन माय इंस्टाग्राम, दैट व्हेन यू मीट आर्टिस्ट और पीपल इन योर लाइफ दैट आर देयर टू गिव यू लव एंड रिस्पेक्ट, यू वांट समथिंग लाइक दिस. व्हेन पीपल वुड कम टू यू विद ट्रस्ट, शी केम टू मी एंड शी सेड आई ट्रस्ट यू एंड आई नो दैट. और आइडिया सबा ने मुझे आके जब बोला था, उसने मुझे कहा यार मैं एक अंडर वाटर वीडियो करना चाहती हूँ, इट्स अबाउट पानी वाटर ये वो. मैंने कहा आई नीड वन नाइट, गिव मी वन नाइट. नेक्स्ट डे आई कॉल्ड हर एंड सेड, मेरे ज़हन में जो एक लफ्ज़ आता है ना पानी से, वो आता है चिंगारी. ओए होए, तो उसने कहा ये क्या ही होराइज़न खोल दिया एकदम, क्या बात है कि किधर से किधर बात चली गई है. एंड देन वी सैट टुगेदर, शी वाज नेवर पोकिंग हर नोज, शी न्यू इट वाज माय जॉब, उसे कोई मसले ही नहीं थे. वो कहती ठीक है. एंड देन आई वांटेड हर टू सिंग फ्यू लाइंस इन द सॉन्ग एज़ वेल, वो जो फिर एक उन्होंने वॉइस ओवर अपना किया हुआ है. It sounds amazing. I think she has put soul into the song. Probably one of the finest projects, and I've really enjoyed doing it. So we're talking about your project. Tha about the project. It was a concert, jisme aap Salman Khan ke saath the, aur wo London mein hua tha ek pura aapka concert, jisme pata nahi kitne lakhon log the. Tell us about that experience, because that I was, think wo aapka that was Dubai Cricket Stadium. That was Dubai Cricket Stadium. We had a show. Yes, I think Salman Khan was at the show. Katrina Kaif was at the show. A lot of Indians were at the show, and I think we were the only Pakistani band that were supposed. Oh. And कोई ऐसी actress भारत की कि दिल चाहे कि यार मैं इसके लिए मतलब इसकी film का गाना मैं करूं. I know हालात अभी बदले हुए हैं, लेकिन सही भी तो होंगे ना कभी कोई तो कि यार शायद I really want to sing for her. I really like Shraddha. I've sung for her already, Nashik. मेरे सारे दोस्तों को सनी लियोन पसंद थी, उसके लिए भी गा लिया है. Let me think. कौन हो सकती है लड़की, सोचने दे मुझे. I think probably what's her name? God, I'm very bad with this. You know that girl that was there in Aamir Khan's film? वो एक Aamir Khan की film थी जिसमें दो लड़कियां थी. I think her name is Fatma Sana. दंगल तो नहीं है? दंगल movie. दंगल मूवी में थी वो. जी जी जी. आपका गाना भी सुनेंगे, लेकिन जो तीन गाने आपके दिल से जुड़े हैं, क्या इसमें से कुछ एक गुनगुना सकते हैं हमारे लिए? अच्छा ओके, कोशिश करते हैं. थैंक यू. वैसे मैं खान साहब का गाना तो कभी भी नहीं गाऊंगा, गुस्ताखियां नहीं करता मैं. पर एक और गाना जो मुझे बड़ा पसंद है, और आई थिंक मैं और साथ सुल्तान बहुत ज्यादा उसके ऊपर ध्यान भी करते हैं, आई थिंक वी माइट रिलीज दिस सॉन्ग. आजा सनम मधुर चांदनी, मैं हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां, कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ. I loved it, Mustafa. I loved it. और आपके जो नए गाने हैं चिंगारियां कैसे जिए, इसमें से हम अभी क्या सुनने वाले हैं? अच्छा चलें चिंगारियां सुनते हैं पहले. So 3, 2, 1. किसी ने नजर डाल दी के दिल को नई चाल दी, के जैसे सूखे तिनकों पे आके गिरे, चिंगारियां जलती जलाती थी रखती नचाती, चिंगारियां. Wow, loved it. You know, let's move on to the other song called कैसे जिए. ये गाना मुस्तफा की दिल से इनकी जिंदगी से बड़ा करीब है, और इसको सुनना तो लाजिम है. Please.
जी, और ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहूंगा मेरे एक फैन है जो नीचे बहुत ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं, इनका नाम आमिर अली है। ये पहले मेरे ड्राइवर थे, अब मैंने इनको अपने बैंड में बेस गिटार पे रख लिया। बहुत टैलेंटेड आदमी जी, और ये मैं उनके लिए गाना चाहता हूँ। ये मेरे दिल का जाना तेरी फैसला है, साथ होगा ना तेरा ये दर्द की इंतहा है। था प्यार मेरा तो झूठा सच्चा, मगर ये खुदा है। तन्हाइयों में हूँ रोया, तब जाके मुझको मिला है। दुनिया के रिश्तों में तो ये होता ही रहा है। लैला और मजनू भी तो एक दूसरे से जुदा है। छोड़ गया मुझको अधूरा यहाँ, क्या ये वफ़ा है या है कोई इम्तिहान। कैसे किससे कहे, कब से शुरू ये सिलसिले, जिनके निशान अब मिल रहे वो ना यहाँ क्यों मिल रहे। लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, आप सीखते हैं। आई एम श्योर आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे दोस्तों ने आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा होगा, और शायद ये लिखा था कि हमने आज ही ये लाइव कन्वर्सेशन करनी थी, लिखा हुआ था ये। लिखा हुआ था जी। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दिस वाज द फर्स्ट इंटरव्यू आफ्टर माय बोथ रिलीजेस, सो आई वाज प्रीटी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इट वाज अ वेरी नाइस शो, हार्ट टू हार्ट, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जाते जाते शो की रवायत है, वन वर्ड फॉर सारा बलूच। I think I have been, we have been Facebook friends for some time as well, and I have been following you. I think you have been doing very well, not only just with your shows, but to promote the music. I'm very happy that there are very few people now out there who understands the essence of music and how important it is to put that music out to the masses, and you have been doing an amazing job with that. Keep it up. Thank you so much, Mustafa. Thank you so much. Inshallah, hum phir baat karenge jab aapki film aayegi, jab aapke band ke naye gaane aayenge. We all are looking forward to it. Jaate jaate se Pakistan Zindabad. 1, 2, 3. Pakistan Zindabad. Zindabad. Allah Hafiz. Khush rahiye. Bye bye.